Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is Nurul Alma Hassan and I'll be teaching you biology chapter 3 biodiversity and today is our second lecture. Aaj ke jo topics hamare hain wo honge binomial system of classification ya binomial nomenclature. Binomial nomenclature ke baad hum discuss karenge five kingdoms classification aur five kingdoms classification ke saath hum study karenge ki hum biodiversity ko study aakhir kyun kar rahe hain conservation aur biodiversity ke hawale se kuch baat karenge. Sabse pehle binomial nomenclature ki baat kar lete hain. Jaise ki aap jante hain taxonomy is the branch of biology which deals with the identification, classification and naming of different living organism and its father of taxonomy is Carlos Linnaeus. Carlos Linnaeus in 1853 thought of an orderly system to name living organisms. There are hundreds and thousands of languages and dialects existing in this world. But how would we know, how would be a universality for science to study all organisms? This was decided and derived by Carlos Linnaeus. So in 1853, when Carlos Linnaeus discovered different living organisms and then named them, he named them in a scientific method with some rationality and some thoughtfulness that how organisms should be named. There were some rules for his binomial nomenclature. Bi here means two and nomi. Nomi refers to names. There were two parts of the name which he used to give his organisms. All right. So how was it named? How were the organisms being named? ये हम आज पढ़ेंगे. फिर उन names को लिखने और पढ़ने का क्या तरीक़ेकार है वो हम पढ़ेंगे. आइए देखते हैं. So सबसे पहला रूल जो था वो ये था कि बाइनोमियल होगा नेम. जो भी नेम होगा ऑर्गेनिज्म का इट वुड बी बाइनोमियल एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम वुड बी इट्स जेनेरिक नेम और जीनस. आप जानते होंगे कि ऑर्गेनिजम्स को जब नेम को क्लासिफाई किया जाता है तो वो इस तरह से किया जाता है कि सबसे पहले यूनिट ऑफ क्लास पहला यूनिट जो है वो है स्पीशीज. देन आती है मुख्तलिफ स्पीशीज मिलकर जीनस बनाती हैं. जीनस मिलके मुख्तलिफ जेनरा मिलके फैमिली बनाते हैं. मुख्तलिफ फैमिलीज मिलके ऑर्डर बनाती हैं. मुख्तलिफ ऑर्डर्स मिलके फाइलम बनाते हैं और मुख्तलिफ फाइला मिलके किंगडम बनाता है. राइट तो हर साइंटिफिक नेम जो किसी ऑर्गेनिज्म को मिलता उसके दो हिस्से होते हैं. एक हिस्सा उसके जेनरिक नेम यानी कि उसके जीनस का नाम होता. दूसरा हिस्सा उसके स्पीशीज या स्पेसिफिक नेम होता. इन दोनों को लिखने का एक खास तरीक़ेकार था और जेनेरिक नेम हमेशा स्टार्ट किया जाएगा कैपिटल लेटर से. ठीक लेकिन उसके आगे का कोई भी हर्फ कोई भी अल्फाबेट कभी भी कैपिटलाइज नहीं होगा. सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. ठीक है उसके बाद दूसरा रूल इसका था कि जब कभी ये नाम टाइप्ड हो जब कभी ये नाम टाइप किया जाए either by any keyboard ठीक है टाइपराइटर से करो आज के जदीद कीबोर्ड से करो. ठीक है हमेशा वो इटैलिकाइज्ड होगा यानी ये जो आपको नजर आता है इटैलिक फॉन्ट राइट ये इटैलिक हमेशा करेंगे जब आप कैपिटल जब आप इसको टाइप कर रहे हो. लेकिन जब कभी ये हैंड रिटन होगा तो आप कभी भी हैंड रिटन में आप परफेक्टली इटैलिकाइज नहीं कर सकते. इसलिए जब कभी आप उसको हैंड रिटन रखेंगे तो इट शुड बी अंडरलाइंड. ठीक है और कभी भी ये दोनों चीजें मिक्स नहीं होंगी. ऐसा नहीं है कि आप इटैलिक भी कर दें और अंडरलाइन भी कर दें. नो इफ इट इज प्रिंटेड और टाइप्ड इट शुड बी इटैलिकाइज ओनली देन. इफ नॉट इफ इट्स हैंड रिटन इट शुड बी अंडरलाइंड. राइट तो तीसरी बात ये हो गई. चौथी बात यहाँ पे क्या थी कि व्हेन द साइंटिफिक नेम इज रिटन फर्स्ट टाइम इन अ टेक्स्ट जब कभी एक बड़ी सी लंबी सी तहरीर में आप लिख रहे हो नाम तो पहली दफा आप नाम फुल लिखें. ठीक है पूरा नाम लिख दिया लेकिन आगे जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा अभी ये किस इंडिका की बात की जा रही है. ठीक है रोजा इंडिका की बात की जा रही है तो अब उसके नाम को आप एब्रीविएट कर दें.
ठीक है, एंड राइट इट आर इंडिका. और पहले जो जो जीनस का नाम था, जो के जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखा था आपने अकॉर्डिंग टू रूल नंबर टू, उस फर्स्ट लेटर को चुने और उसके बाद डॉट लगा दें, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दें. दिस इज द करेक्ट वे ऑफ एब्रीविएटिंग डिफरेंट थिंग्स. इवन जब आप एटसेट्रा भी लिखते हो तो ETC के बाद डॉट एक लगाते हो. व्हाट डज दैट रेफर टू? दैट रेफर्स दैट इट हैज बीन एब्रीविएटेड फ्रॉम अ पैरेंट वर्ड, ठीक है. फिर एक और था कि कुछ नाम ऐसे होते हैं, कुछ साइंटिफिक नेम्स ऐसे होते हैं जिनको जिनके साथ जो है उसके डिस्कवर करने वाले का नाम भी लगेगा, ठीक है, या उसके डिस्क्राइब करने वाले का नाम भी लगेगा, ठीक है. तो वो कौन है? वो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंगो प्लांट की बात की गई, तो मैंगो प्लांट को फर्स्टली डिस्क्राइब किया था कार्लस लीनियस ने. कार्लस लीनियस के नाम की का जो एल है, ठीक है, वो मैग्नीफेरा इंडिका है, जो कि मैंगो प्लांट का नाम है, उसके साथ एल डॉट की शक्ल में लग जाएगा, ठीक है. ये तरीका कार होता है. अब मुख्तलिफ साइंटिफिक नेम्स हैं आपके सामने लिखे हुए, आप देख लीजिए. मस्टर्ड प्लांट को ब्रासिका कंपेस्ट्रस, ह्यूमन को होमो सेपियंस, मस्का डोमेस्टिका फॉर हाउस फ्लाई जो कॉमन मक्खी होती है, कैट इज फेलिस कैटस, राना टिग्रीना इज फॉर फ्रॉग, अनियन प्लांट इज नोन एज एलियम कीपा, ठीक है. और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिज्म होंगे. जब कभी आप एग्जाम में लिखिए ये बात याद रखिएगा, चाहे किसी भी तरह के एग्जाम में आप बायोलॉजी के बैठे, हमेशा साइंटिफिक नेम जब कभी हाथ से लिखें प्लीज प्लीज लाजमी उसको अंडरलाइन कीजिएगा, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे. दिस वाज ऑल अबाउट बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है, या बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या बाइनोमियल नेमिंग सिस्टम, ठीक है. इट्स नोन एज नोमेनक्लेचर. आपके पास नोट लिखने आएगा एग्जाम में, यू मस्ट राइट अ नोट लाइक दिस, ठीक है. उसके बाद हम स्टडी कर लेते हैं. हमारा टॉपिक है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन. आपकी बुक में बहुत सारी क्लासिफिकेशन ऐड हुई थी इस साल ही, लेकिन बाय फेट ऐसा है कि आपको सिर्फ फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़नी है, और उसमें भी आपने रॉबर्ट विटकर की अनाउंस क्लासिफिकेशन लिखनी है, जिसको फर्दर मार्गुलिस और शुवार्ट्स ने मॉडिफाई किया था 1989 में. तो 1969 में रॉबर्ट विटकर साहब एक थे, उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पेश की, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म को पांच किंगडम्स में क्लासिफाई कर दिया. और फिर 1989 में बस उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके मार्गुलिस और शुवार्ट्स नाम के साइंसदानों ने पेश किया था, ठीक है. बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन रखा गया सेलुलर स्ट्रक्चर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, कि सेल किस तरह का है, यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, प्रोकैरियोट है, यूकैरियोट है, ये सारी बातें डिस्कस की गई. प्रोकैरियोट के बारे में आप जानते होंगे, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, यानी कि जो अभी बहुत अच्छा सा नहीं मेच्योर हुआ. कैरियोट्स में कैरियो का वर्ड निकला है न्यूक्लियस से, तो इनकम्प्लीट न्यूक्लियस का मतलब है, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस इसका इसके मानी है, ठीक है. इनकम्प्लीट न्यूक्लियस का क्या मतलब हुआ कि अगर ऑर्गेनिज्म है तो ऑर्गेनिज्म, लेट मी शो यू, जब कभी आप बात करते हैं न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस शुड हैव व्हाट अ न्यूक्लियस नीड्स टू हैव. अ न्यूक्लियस नीड्स टू हैव अ प्रॉपर मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसमें न्यूक्लियर पोर्स होंगे, ये पोर्स बनाए मैंने, ठीक है. डबल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है. अब ये डबल इतनी अच्छी नहीं बन पाएगी, लेकिन मेरे ख्याल में आपको इतनी अच्छी बन जाएगी कि आप समझ सके, ठीक है. डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे कुछ जेनेटिक मटेरियल पड़ा होगा एज फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, थोड़ा सा न्यूक्लियोलस नाम का एक ऑर्गेनेल रखा होगा, ठीक है. ये सारी चीजें मिलके बनाती है न्यूक्लियस को न्यूक्लियस. अगर ये सारी चीजें नहीं है तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं कहला सकता. और अगर बफर्स महाल ये जो मेम्ब्रेन है यही चली गई, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये जो न्यूक्लियस पड़ा हुआ था, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो तो एक साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाएगा ना. ये जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस की चीजें हैं, वो अब इस साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन गई, यानी न्यूक्लियस नहीं रहा. आप सोचें, आप जिस कमरे में इस वक्त बैठे हैं, उस कमरे की दीवार तोड़ दें तो वो कमरा दूसरे कमरे से मिल जाएगा, यानी उस कमरे की अपनी जाति कोई हैसियत नहीं रहेगी, ठीक. ये वजह है कि न्यूक्लियस जिन ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रखता, तो वहां पे हम कहते हैं कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है.
और हम उनको कह देते हैं कि प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म है, और डेफिनेटली व्हेन दे आर प्रोकैरियोट, जिनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ तो वो बाकी सेल्स क्या डेवलप करेंगे, तो यूनिसेलुलर भी होते हैं. तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, मल्टीसेलुलर यूकैरियोट, इस बेसिस पे मुख्तलिफ क्लासिफिकेशंस होती हैं. और फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है कि ऑर्गेनिज्म अपना अपनी गजा खुद तैयार करते हैं, यानी वो ऑटोट्रॉफ है प्लांट्स की तरह, प्लांट्स अपना अपनी गजा खुद बनाते हैं ना फोटोसिंथेसिस के जरिए, या फिर वो हेटरोट्रॉफ है यानी मुख्तलिफ जराए से खाना हासिल करता है, अपनी गजा हासिल करता है, या फिर वो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है यानी कि मोस्टली जो आप डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे अपनी गजा हासिल कर लेता है. आइए स्टडी करते हैं. फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो विटकर ने पेश की थी उसमें पहले पांच किंगडम्स थे. हर किंगडम के मुख्तलिफ नाम, चार तीन तो आज भी वही हैं, माइगलिस और शिवार्ड्स की क्लासिफिकेशन में भी वही रहे, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. मोनेरा प्रोटेस्टा का नाम थोड़ा सा तब्दील कर दिया गया है, माइगलिस और शिवार्ड्स ने तब्दील किया था. और मोनेरा जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चूंकि प्रोकैरियोट्स होते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, और उनमें कौन कौन शामिल होता है, सिर्फ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया शामिल होते हैं, ठीक है. तो बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया की इसके अंदर शामिल हैं, और प्रोकैरियोट ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ मेथड्स के जरिए अपनी गजा हासिल करते हैं, ठीक है. वो वैरायटी ऑफ मेथड जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है. वो पैरासाइटिक रिलेशन भी हो सकता है, हम जानते हैं ना बैक्टीरिया इतने पैरासाइट के तौर पे तो काम करता है. पैरासाइट कौन होता है, जो अपने होस्ट सेल के पास जाए, उससे गजा हासिल करे, उसके ऊपर डिपेंडेंट हो और उसको नुकसान भी पहुंचाए, ठीक है. तो हम सब बैक्टीरिया की वजह से बीमार भी पड़ते हैं, ठीक है. तो बैक्टीरिया जो है वो इसमें शामिल होता है किंगडम मोनेरा में. और प्रोकैरियोट्स विच फीड बाय वैरायटी ऑफ डिफरेंट मेथड. मोनेरा का दूसरा नाम जो माइगलिस और शिवार्ड्स ने दिया है वो क्या है, मैं आपको बता देती हूँ. जो बच्चे सिर्फ नोट्स देखेंगे उनको शायद वहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई ना मिले, तो आप उनको भी बता दीजिएगा. और अगर वैसे मैं अपने पास हर नोट्स में लिख रही हूँ कि जो है प्लीज़ आप हर बच्चा इन लेक्चर्स को ज़रूर सुने, ठीक है. किंगडम प्रोकैरियोटा, ठीक है. किंगडम मोनेरा का दूसरा नाम है किंगडम प्रोकैरियोटा, जबकि किंगडम प्रोटेस्टा का दूसरा नाम रखा गया था प्रोटोक्टेस्टा. जो सेकंड नेम्स है ना ये इनको दिए थे मार्गलेस और शिवार्ड्स ने, ठीक है. किंगडम प्रोटेस्टा या किंगडम प्रोटोक्टेस्टा में कौन लोग हैं, किंगडम प्रोटेस्टा में आप तमाम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट होने चाहिए, प्रोकैरियोट नहीं चलेंगे. यूकैरियोट का क्या मतलब है, जिनके अंदर प्रॉपर यू का मतलब होता है ईयू, जब कभी आ जाए तो यू का मतलब होगा ट्रू, ठीक है. ट्रू कैरियो मतलब न्यूक्लियस, तो ट्रू न्यूक्लियस जिनके पास है वो हो गए यूकैरियोटिक. तो ऑल यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा एक्सेप्ट यीस्ट, ठीक है. ठीक है, यीस्ट को फंजाई में रखा गया है, जो कि यीस्ट इज द ओनली यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है. यीस्ट इज द ओनली यूनिसेलुलर फंजाई, यीस्ट इज द ओनली यूनिसेलुलर फंजाई, अपने पास की बात नोट कर लीजिए, और ये आपके पेपर में पूछी जा सकती है एमसीक्यू के तौर पे, ठीक है. अच्छा, एक्सेप्ट यीस्ट व्हिच वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक हैं, यूनिसेलुलर हैं और एग्जिबिट करते हैं प्लांट या एनिमल या फंजाई लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, उन सबको इस प्रोटोक्टिस्टा में डाल दिया गया. और फिर इसकी जो फर्दर डिविजन होती है ना वैसे ही होती है, प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट, एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट, फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्ट, ठीक है. अब इसमें कौन कौन शामिल हो गया देखते हैं. अमीबा यूग्लिना ले लीजिए, अमीबा यूग्लिना क्या है, ये एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट है. ये क्लेमाइडोमोनास, ये एलजी, ठीक है, ये एलजी होती है क्लेमाइडोमोनास. ये क्या है, ये प्लांट लाइक प्रोटोक्टिस्ट हो गई, ठीक है. प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम जो है वो हो गया आपके पास एनिमल लाइक, ठीक है, एनिमल लाइक प्रोटोक्टिस्ट हो गया. किंगडम फंजाई में आ जाते हैं, या आपके सामने हम एक अपना तैयार किया हुआ एक ये बना दिखा देते हैं आपको, ये देख लीजिए. इससे आपको याद करना पढ़ना दोनों बहुत आसान रहेगा. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट है, यानी सिर्फ और सिर्फ ये प्रोकैरियोटिक है, बाकी सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं. ये बात समझ आ गई होगी. सेल वॉल के बारे में पढ़ लीजिए, सेल वॉल सिर्फ कहाँ पे एब्सेंट है, एनिमेलिया में एब्सेंट है, बाकी सब में प्रेजेंट होगी, लेकिन सब में जो फॉर्मेशन है वो डिफरेंट शक्ल में होगी. पॉलीसेक्राइड प्लस अमाइनो एसिड से प्रोकैरियोट की बनती है, यानी कि एक बैक्टीरिया वगैरह की बनती है. प्रोटेस्टा के कुछ ऑर्गेनिज्म में होती है, ज्यादातर में होती है, कुछ में नहीं भी होती है, ठीक है, बट जो होगी वो डेफिनेटली वो कुछ इसी तरह की होगी, ठीक है.
फंजाई की जो होती है वो फंगल सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है? यू कैन राइट इट लाइक फंगल सेलुलोज, ठीक है? नॉट द क्लासिकल सेलुलर सेलुलोज वन. जो सेलुलोज वाली सेल वॉल होती है वो आपको प्लांटी में मिलेगी, ठीक है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया. आप बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए, सेलुलर होगी विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स, क्योंकि जिसके पास सिर्फ न्यूक्लियस ही मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं हो, बाकी ऑर्गेनिल्स क्या रखेगा, ठीक है? इसके अलावा बाकी सारे यूनिसेल, ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं, और बाकी सारे मल्टी सेलुलर हैं. प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया सब मल्टी सेलुलर हैं, सिवाय मल्टी सेलुलर ऑफ फंजाई जो है एक यूनिसेलुलर होता है यीस्ट के, ठीक है? यीस्ट इज द ओनली यूनिसेलुलर फंजाई. मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोनेरा और प्रोटेस्टा. ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, यानी अगर इनके पास क्लोरोफिल या कोई और सब्सटेंस होगा जिसके जरिए ये सनलाइट कैच कर सकें या केमिकल के जरिए अपनी गजा बना सकें, तो ये ऑटोट्रॉफिक होंगे, ठीक है? यानी अपनी गजा खुद बनाने वाले. ऑटोट्रॉफिक मतलब अपनी गजा खुद बनाने वाले. हेटरोट्रॉफिक मतलब दूसरे जराए पे मुनहसर, ठीक है? दूसरे जराए पे डिपेंडेंट, ठीक है? और इसके अलावा फिर फंजाई में आ जाइए, तो फंजाई में हेटरोट्रॉफिक सेप्रोफाइटिक होंगे या पैरासाइटिक होंगे. सेप्रोफाइटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म, डेड मटेरियल के जरिए अपनी गजा हासिल करते हैं. अब जैसे आप ब्रेड को देख लीजिए, ब्रेड पे अक्सर फंगस लग जाती है. ब्रेड क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है? नहीं, ब्रेड इज अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है? उसके ऊपर जाके फंगस लग जाती है, फंगस उस पर उगती है, ब्रेड मोल्ड उस पर उगती है, ठीक है? और अपनी गजा वहां से हासिल करती है. तो इसका मतलब ये हुआ कि वो सेप्रोफाइटिक है. इसी तरह कुछ आपको पैरासाइटिक हो जाते हैं. बहुत सारे लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, ठीक है? जैसे डेंड्रफ है, डेंड्रफ बहुत अरसे दिमाग सर पे रहे, तो दैट कैन कॉज पैरासाइटिक एक्टिविटी, ठीक है? फंगल पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है? इसी तरह फिर प्लांटी के बारे में तो सब जानते हैं कि फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपनी गजा खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक हो गए. एनिमेलिया के बारे में हम जानते हैं कि हेटरोट्रॉफिक होते हैं, अपनी गजा जो है वो हासिल करते हैं, ठीक है? खा के, ठीक है? इंजेस्टिव तरीके से, राइट? ओके, नाउ बाइनोमियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने स्टडी कर लिया. कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी पढ़ लेते हैं. कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या है? कि कंजर्वेशन का मतलब होता है हिफाजत करना, प्रिजर्व करना, महफूज कर लेना, ठीक है? कंजर्वेशन ये चीज हो गई. बायोडायवर्सिटी हमने पढ़ा, तो कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या चीज़ है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी ये है कि हम मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ बायोडायवर्सिटीज जो हमारी इस दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने हमें कुदरती तौर पर फराहम की हैं, उनको हम डेंजर से, जो हैजर्ड्स हैं दुनिया के, उनसे बचाएं, ठीक है? मुख्तलिफ लाइफ फॉर्म्स हमारी दुनिया पे इनहेबिटेड हैं, इन सबको महफूज रखना. आप जैसे इंडस डॉल्फिन है, पिंक डॉल्फिन हमारे दरियाए सिंध के अलावा कहीं और नहीं पाई जाती, ठीक है? आप मारखोर की बात कर लीजिए, आइबिक्स, तो वो भी सिर्फ पाकिस्तान में मिलता है आपको, ठीक है? और कहीं पे आपको बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ मिलेंगे. मैंगो की बात कर ले तो मैंगो सिर्फ साउथ एशिया में अच्छा वाला पाया जाता है. सिंधड़ी की चलो छोड़ो, मैंगो छोड़े, सिंधड़ी आम जो है वो स्पेसिफिकली सिर्फ सिंध में मिलेगा, वो आपको पंजाब में भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये वाली जो चीजें होती हैं, ये एक स्पेसिफिक जगह की स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है? स्पेसिफिक वेरिएशन है. तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि इस वक्त इंडेंजर्ड हैं. इंडेंजर्ड होने का मतलब यह है कि उनको जो है मुख्तलिफ, अब वो उनकी स्पीशीज खत्म होती जा रही हैं, बहुत कम रह गए हैं. जैसे आपने एक नाम सुना होगा गिद्ध के बारे में, गिद्ध के बहुत कम स्पीशीज इस दुनिया में अब बाकी बच रहे हैं, ठीक है? तो अब एक स्पीशीज खत्म होती जा रही है, तो उनकी हिफाजत करनी चाहिए हमें, उनको कंजर्व करना चाहिए. उसके रीजन क्या है? अब गिद्ध के बारे में सोचें तो गिद्ध से हमें क्या फायदा हासिल है जो हम उसकी हिफाजत करें? देखें, हर चीज एक इकोसिस्टम में अल्लाह ताला ने पैदा की है. कुदरत ने इकोसिस्टम का लिहाज रखा है. फूड चेन्स हैं, एक चीज खत्म होती है तो वो चीज फिर जो है वो आगे किसी और की गजा बनती है, ठीक है? आप अगर मुख्तलिफ फूड चेन्स आप स्टडी करेंगे तो हर फूड चेन को कुदरत ने बैलेंस अंदाज में बनाया है, और किसी एक का भी खत्म होना आपको मालूम है कि नुकसानदेह हो सकता है हमारी एनवायरनमेंट के लिए. प्लस बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना इसलिए भी जरूरी है ताकि हमारी जो सॉइल कंडीशन है प्लांट्स और क्रॉप्स की वो बेटर रह सके, ठीक है? और भी मुख्तलिफ रीजन है. सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड वही काम करती है जिससे उसको खुद फायदा हो, ठीक है?
बाकी जो हमारे यहाँ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए हवाले से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं उनमें यही है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है हमारे यहाँ, एनवायरनमेंट के हवाले से कोई काम करने को अहमियत नहीं दी जाती, ठीक है, वीक गवर्नेंस वगैरह, हम सब जानते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की वीक कैपेसिटी है, हमारे पास पैसे नहीं है, दिस एंड दैट, इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज सबसे ज्यादा, अब जो चीज़ें बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करती हैं उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डीफॉरेस्टेशन, हम जाके पौधे खराब कर देते हैं, कट डाउन कर देते हैं, ठीक है, लेकिन हम नए नहीं उगाते, हम अफॉरेस्टेशन नहीं करते, AFFORESTATION, अफॉरेस्टेशन यानी कि नए पौधे नहीं उगाते, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन तो कर देते हैं, कट डाउन तो कर देते हैं, नए नहीं उगाते, ठीक है, इस वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे प्लांट्स खत्म होते जा रहे हैं, साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी खत्म होती जा रही है, पॉल्यूशन जो हम फैला रहे हैं किस वजह से, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है, फिर ओवर हंटिंग जो हंटिंग लोग करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स की स्पेसिफिकली जिनकी अफजाइश अब नहीं हो रही है, कम दर्जे पे हो रही है, ठीक है, तो उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी इफेक्ट हो रही है बाय द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट आपको मालूम है, इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन आपको मालूम है, ठीक है, आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी, एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो हैं जो अब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, आर नॉट फाउंड अलाइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट आप जहन में रख सकते हैं डायनासोर्स, डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज, हम में से किसी ने उनको देखा ही नहीं है, ठीक है, वी हैव नेवर सीन देम, फिर हम आ जाते हैं इंडेंजर्ड स्पीशीज पे, इंडेंजर्ड स्पीशीज इत्तेफाक से जितनी लिखी हुई हैं ये सारी हमारे पाकिस्तान की हैं, स्नो लेपर्ड के बारे में आई एम नॉट श्योर, और ग्रीन सी टर्टल पाकिस्तान का है, इंडस रिवर डॉल्फिन पाकिस्तान की है, सिंध आइबेक्स मारखोर ये भी पाकिस्तान का है हमारे यहाँ, ठीक है, ISPR का लोगो जो है हमारा वो भी मारखोर है, तो इंडेंजर्ड स्पीशीज वो हैं जिनको दैट आर एट रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी अगर उनको हमने अपनी एक्टिविटीज से जाया कर दिया, ठीक है, तो वो हम उनको एक्सटिंक्ट में पाएंगे अगले कुछ सालों में, अगले कुछ सदियों में, ठीक है, इसलिए हमें उनकी हिफाजत करना चाहिए, और इसके साथ ही हम आज का लेक्चर जो है एंड करते हैं, उम्मीद है आपको आज की तमाम बातें क्लियर होंगी, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड काइंड लिसनिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।